तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरह से एक आर्मी मेजर जवान की पत्नी सरकार की सच्चाई बता रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। असु तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घोंपते हैं। अपील करती हूँ, जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसान बन के जियो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। देश के सैनिकों के लिए एक ही बात कहूंगी, मुझे भारतीय सैनिकों के ऊपर गर्व है और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी उन्होंने नंगा करके घुमाया। शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में है, सो जाइए आंख बंद करके। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? हमें वो ऐसे लग रहा था कि वो हाथ जो छू रहा था उसके योनि को, वो हमारी योनि तक पहुंच रहा था। दिल रो रहा था कि उस हाथ को काट के फेंक दें। बहुत देर तक इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ा लिया, जाति के नाम पे लड़ा लिया, बट अब देश जाग चुका है। ऐसी हालत करने की तैयारी कर रखी है देश की सरकार ने। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों? तो दोस्तों आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा है, इसमें महिला जो बोल रही हैं, अगर ये वीडियो आप लोग देखे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो इसको समझिए कि यह जो सच्चाई है, क्या कभी आपके सामने वह मीडिया दिखाया जिसके जरिए आप जो अच्छी अच्छी खबरें देखते हैं सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, क्या कभी यह खबर दिखाया, क्या कभी यह सवाल सरकार से उठाया वह मीडिया जिसके जरिए आप लोग अच्छी अच्छी खबरें देखते हैं? हाँ, ये महिला जो भी बोल रही है इसमें, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यह महिला राजनीति कर रही है, नेतागिरी कर रही है। हम भी इस बात को मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी मानते हैं इस बात को कि हाँ यह महिला राजनीति कर रही है, नेतागिरी कर रही है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई महिला या पुरुष राजनीति के तौर से या फिर किसी और सोच से अगर सच को लेके आवाज़ उठा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके लिए, सच के लिए कोई बोल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। किसी भी तरह से अगर आपके लिए कोई कुछ बोल रहा है तो इसमें क्या गलत है, इसको समझिए। और हाँ, सच को समझना है तो सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का, क्योंकि ज़्यादातर आप जिस समाज में घूम रहे हैं वह समाज भी उसी मीडिया के जरिए खबर पा रहा है और उसी को सच मान रहा है। तो सबसे पहले आप उस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए जिसका आप इस्तेमाल करके अपने परिवार के नफे नुकसान को लेके चलते हैं, एक एक कदम पर सोचते हैं कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। जब आप अपने उस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे जिस दिमाग से आप अपने परिवार को लेकर चलते हैं, हम भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और लड़ रहे हैं, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो समझिए इस बात को कि ऐसा नहीं कि आपके बीच में मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ। हम भी बहुत दीवाने थे भाजपा के, मोदी जी के, योगी जी के, लेकिन बहुत झेल झेला हूँ उसी दीवानेपन का जो भाजपा का गुण गा रहा था मैं नौरंग सिंह। खैर, अगर आप हमारे इतिहास को जानना चाहेंगे तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल में आइए, पीछे जाइए, आप देखेंगे हम कोई नेता नहीं थे, हम एक आर्ट पेंटर हैं। नेतागिरी क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न बस यही है कि हमको आज तक न्याय नहीं मिला और कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको जब मैं खोजा तो कमी कहीं और नहीं, नेताओं में ही मिली। और ख़ास करके जो पार्टी के स्तर से लोग सोचते हैं कि भाजपा बहुत अच्छी है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई
हम भी उसी भाजपा के दीवाने थे, हम भी उन योगी जी के मोदी जी के दीवाने थे। लेकिन यहाँ पेंटर नौरंग सिंह, खैर ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, 3 बार जेल में जा चुका हूँ, वैसे तो 4th बार भी नंबर लगा था, सिर्फ आवाज़ उठाने की वजह से। ऐसा नहीं कि हम हार गए, हम लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें एक दिन जीत मिलेगी, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह जनता की लड़ाई है, और जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, सच परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, इस विश्वास को लेके हमेशा चलता रहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी तरह से अगर हमारा साथ देते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात को समझिए कि ये जो भी वीडियो आपके बीच में मैं रखता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आप सच को समझें, सच को देखें, और आपके बीच में भी कुछ हो रहा है तो ये जो चैनल बनाए हैं इसके द्वारा आप भी अपनी समस्याएं, अपनी घटनाएं जनता के बीच में पहुंचा सकें। क्योंकि जो मैं आपको बताया हूं, मीडिया जिसके जरिए आप लोग देखते हैं अच्छी अच्छी खबरें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां हैं, इसीलिए यह चैनल बनाए हैं कि हम किसी मीडिया के भरोसे कोई कार्य न करें। तो अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए सही है तो देर मत कीजिए, इस चैनल को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे विषय में, इस चैनल के विषय में और लोगों को भी बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिएगा। आपका अपना पेंटर नरोंग सिंह, PNS आवाज़ आज्ञा लेता है। जय हिंद दोस्तों।